स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्ट्रेट फ्रॉम द रेस्ट इक्वल टू जीरो. लेट एस एन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल टी एन माइनस वन टू टी एन, देन द रेशियो ऑफ एस एन अपॉन एस एन प्लस वन ईच. मतलब ये एस एन का फॉर्मूला याद है, एस एन वाला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे जी, एस एन के टर्म में पढ़ा था. अब दोनों लिख रहे हो, एस एन इक्वल टू कैसे पढ़ते थे, पाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन. कुछ लोग ऐसे हो सकता है याद किए हो, एस टी इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू टी माइनस वन. मैं तो इसीलिए दोनों बताता रहता हूँ, पता नहीं कौन कहाँ ज्वाइन करके कैसे पढ़ रहा है, मैं बस सपोर्ट करने के लिए लाइव आया हूँ बच्चे, है ना. ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते फिर आपसे बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हो आप है. देखो तो इसमें क्या करना है, नॉर्मल इसका रेशियो ही तो बताना था जी, इसका रेशियो कैसे निकालोगे, एस एन तो यही लिखना है नॉर्मल. एक चीज बस ध्यान देना, ये कह रहा कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टी इक्वल टू जीरो, लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल दिस, है ना. तो ये दिया है हमारा, मेरी बात समझे. तो इसमें कह रहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल में जीरो हो जाएगा, मैं लिख देता हूं ऐसे एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन. तो ये कितना हो जाएगा, यू प्लस ए डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई यू. यू तो जीरो होगा, यहाँ भी जीरो करेंगे, यहाँ भी जीरो, ऐसे लिख रहा हूँ. ए डिवाइडेड बाई टू, ये कितना है एन के जगह कितना है, एन प्लस वन माइनस वन. मतलब यहाँ पर एन है तो एन ही रखा, यहाँ एन के जगह एन प्लस वन है तो यहाँ एन प्लस वन रखा. तो ये कितना आ गया, a डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई टू, और ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जी, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस टू माइनस का टू हो जाएगा, a बाई टू से a बाई टू ये कैंसिल आउट हो गया. ऊपर कितना बच रहा है, ये निकाल के आ रहा हूँ एस एन अपॉन एस एन प्लस वन निकाल रहा हूँ. ऊपर कितना है टू एन माइनस वन, और टू में से वन जाएगा तो ये वन है जी, देख रहे हो टू, ये वन है, ध्यान रखे रहना है ना. तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2n plus 1 हो जाएगा, मेरी बात समझे. इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन.